एक तो मुकेश का गाना और उस पर आज का ये मौसम सुहाना। मेरा दिल कह रहा है कि आज का ये दिन चिड़ियाघर में कोई ना कोई खुशी लेकर आएगा जरूर। आजा भैया, भैया ये रहा हमारा चिड़ियाघर, देख लिया भैया रास्ता। भैया संभाल के लाना पापड़, नहीं तो बाबूजी देंगे आपको झापड़। बाबूजी हम आटा भी ले आए, या आप क्या लाए? पापड़। और पापड़ भी ले आए। बहुत अच्छा काम। बाबूजी आप इनको 100 रुपए दे दीजिए। ले बेटा। लेकिन बेटा किस बात के 100 रुपए दिलवाए तुमने? बाबूजी गोनी पूरे 15 किलो की थी, ये बोले 100 रुपया दे देना, हम उठा के लेके जाएंगे। तो तू क्यों उठा के लाया बेटा? बाबूजी जब इसने आटा उठाया तो बोले आप आगे आगे चलो और हमको चिड़ियाघर का रास्ता दिखाना। तो बाबूजी हमने कहा हम आटा लेके चलते, आप रास्ता ठीक से देख लो। हरिओम हरिओम। बाबूजी आप ही तो कहते किसी को रास्ता दिखाना पुण्य का काम होता है। हाँ बेटा बहुत पुण्य का काम होता है। आज हमने पुण्य का काम किया। इधर आ, 100 रुपए वापस दे बेटा। ला ये 5 रुपए पकड़, ये 10 रुपए के पापड़ उठाने के मजदूरी। धन्यवाद। थैंक यू भैया, आपने पापड़ उठाया, भगवान आपको उठा ले। हरियो हरियो। अबे तू आटे पे क्यों बैठा है? आटा पीसने के लिए। चल मेरे साथ चल, दोनों भिड़ के इसे किचन में रख के आते हैं। दोनों ठीक है बाबूजी। बाबूजी पहले पापड़ मिलके उठाते। बाबूजी आप ऐसे उस तरफ से पकड़ो, पकड़ो बाबूजी। चलो बाबूजी आराम से चलना। मैं एक आशावादी आदमी हूँ, मुझे अभी भी यकीन है कि आज का दिन चिड़ियाघर में जरूर कोई ना कोई खुशी लेकर आएगा। रंट पोड़ी यड़क पोड़ी रंटा पो, रंट पोड़ी यड़क पोड़ी रंटा पो। गधा तो अपनी मम्मी को मिलने गांव चला गया और यहाँ मेरी टेंशन टाइट हो रही है। कपी पप्पी बन गया है। अरे कुत्ते की तरह काम करना पड़ रहा है, कुत्ते की तरह सारे काम मैं ही करूं। कोकोनट ब्रेक आई ना बच्चे, निन्ने ताला ब्रेक आई पूरी कस्टेंड। मेमोरी क्या है? तुमको छोटी बच्ची हो क्या? मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ और ऊपर से तुमने मेरी टेंशन टाइट कर दी। ये मेरा तो ओवर रिएक्ट चाहिए ना पोट्टा। ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ मैं? तुम्हारे इस कोकोनट ने मेरे सर के सारे नट बोल्ट टाइट कर दिए, ऊपर से बोल रही हूँ कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या बोल रही हो तुम? ओह अरे ओ, ये चिल्लम चिल्ली का मैच क्यों खेला जा रहा है बेटा? थर्ड एम्पायर को भी कुछ बताओगे या नहीं? सॉरी बाबूजी अभी हमारा मैच चल रहा है, हम इनिंग्स खत्म होने के बाद बात करेंगे। अरे क्या बोली थी तुम? ओवर रिएक्ट, ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ मैं। पता नहीं मेरा मन अभी भी कह रहा है कि आज का दिन चिड़ियाघर में जरूर कोई ना कोई बड़ी खुश। आधा दिन तो वैसे ही गुजर चुका है, अब क्या बड़ी खुशी आएगी? हरिओम हरिओम।
ओए दिलदार, मेरी क्लास का सबसे शरारती लड़का, और तब भी ऐसे नाचते नाचते आता था। पैरी पौना बाबूजी। बाबूजी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी है। तो बेटा चिड़िया घर की छत से पकड़ेगा क्या? बाबूजी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ जिसका हेड ऑफिस फ्रांस में। वाह भाई वाह, है वहाँ भी नाचते नाचते जाता है। बाबूजी तुसी वड्डे मजाकिया हो। बाबूजी तुहाडे नाल एक गल करनी सी। हाँ बेटा बोल। बाबूजी फ्रांस में जो मेरा बॉस हैगा ना, उसकी बेटी इंडियन कल्चर पे एक प्रोजेक्ट बना रही है, तो वो कुछ दिनों के लिए इंडिया आके इंडियन कल्चर को करीब से देखना चाहती है। ये तो अच्छी बात है बेटा, और वैसे भी आजकल तो विदेशी लोग ही हम भारतीयों को भारतीयता के महत्व और महानता का एहसास दिलाते हैं। बिल्कुल सही बाबूजी, मैंने बॉस की बेटी से कहा, ओए अगर भारतीय कल्चर को अच्छे से देखना और समझना है ना, तो कुछ दिनों के लिए बाबूजी के चिड़ियाघर में आके रहो, क्योंकि हमारे बाबूजी का चिड़ियाघर भारतीय संस्कृति और संस्कारों का हेड ऑफिस है। हरिओम हरिओम। बेटे वैसे बात तो तेरी सही है, और जहाँ तक अपना चिड़ियाघर और चिड़ियाघर वालों के दिल का सवाल है, वो तो हमेशा सबके लिए खुला ही रहता है बेटा। वो लड़की जब भी आना चाहती है वो आ सकती है। ओए थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। मैं अभी उसे मेल करता हूँ। बेटा ये मेल फ्रांस कितने दिनों तक पहुँच जाएगा? बाबूजी ईमेल आएगा, चिट्ठी नहीं आएगी। हेलो जी, रिप्लाई भी आ गया सी। पुत्र ये ईमेल है या तूफान मेल है? बाबूजी तुसी वड्डे मजाकिया हो। बाबूजी लिखती है, मैं चिड़ियाघर जरूर आऊंगी, लेकिन लेकिन बाबूजी के अलावा उसके प्रोजेक्ट के बारे में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, वरना उसके प्रोजेक्ट में वो बात नहीं आएगी बाबूजी, क्योंकि वो सबकी नेचुरल फोटो खींचना चाहती हैगी। पुत्र वैसे बात तो उसकी भी सही है, मैं किसी को भी उसके आने की असली वजह नहीं बताऊंगा। हेलो बाबूजी, अगले सैटरडे को वो दिल्ली बीच लैंड करेगी और मैं संडे को उसे चिड़िया कर ले आऊंगा। तुसी ग्रेट हो बाबूजी, तुसी ग्रेट हो। बेटा तू लेट है, और तुझे फ्लाइट नहीं पकड़नी। ओए तेरी पैरी पाना बाबूजी। आई एम अ दिलदार सन ऑफ अ सरदार, आई एम अ दिलदार सन ऑफ अ सरदार। वैसे मेरा दिल कभी भी मुझे गलत इशारा नहीं करता। मैं कह रहा था ना कि आज कोई ना कोई खुशखबरी आएगी। फ्रांस से मेहमान आ रहा है, इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। लेकिन मेरे मुंह से किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि वो यहाँ असल में किस मकसद से आ रही है। किसी भी देश की सही पहचान उसकी सभ्यता और संस्कृति से होती है, और जैसे गज की पहचान उसका खाना है, जैसे पढ़ाई में तेरी पहचान बी ग्रेड है। ओके बाबूजी, बड़ा ही भारत कुमार टाइप का मुहावरा लेकर आए हैं आज आप। लेकर नहीं आया हूँ बेटा, अभी अभी कोई दे के गया है। बाबूजी अभी अभी तो दूध वाला आया था, वो दूध के साथ साथ मुहावरा भी देने लगा है क्या? बाबूजी मुहावरा देता कैसे है, किलो के हिसाब से या लीटर के हिसाब से? हाँ दूध में मिला के देता है। तुम मुहावरा शेक बना के पी लेना, ठीक है? टॉटक टॉटक। बेटा तुझे पता है अभी अभी मेरा स्टूडेंट दिलदार सिंह आया था। बाबूजी बाबूजी वही ना जिसके बारे में आपने बताया था, जो स्कूल में भांगड़ा कर लिया था। हाँ। अरे आज भी भांगड़ा करते करते आया था। और बेटा
एक खुशखबरी है। क्या बाबूजी? क्वेश्चन मत। दिलदार सिंह के बॉस की बेटी फ्रांस से अगले हफ्ते इंडिया आ रही है घूमने घूमने। अच्छा। और कुछ दिन हमारे यहाँ चिड़ियाघर में हमारे साथ रहेगी। अरे वाह, यहाँ फ्रांस की लड़की हमारे घर आके रहेगी। सो कूल ना। अतिथि तुम कब आओगे? चुप। आएंगे आएंगे। बाबूजी, मयूरी कभी किसी फॉरेनर से आज तक नहीं मिली। बाबूजी, हम ना उनको अपनी गंगा गाय से मिलवाएंगे। अरे और बाबूजी, मैं इस फ्रेंच गर्ल को ऐसे ऐसे आइटम बना के खिलाऊंगा कि वो उंगलियां चाटती हुई जाएगी फ्रांस। ये कुछ मिठाई बनाई थी, जरा खा के बताइए कैसे। अरे वाह पप्पी भाई साहब, ऐसी मिठाई तो कोई हलवाई ही, मेरा मतलब हलवाई भी नहीं बना सकता। ये पप्पी भाई साहब को क्या अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि पड़ोसी रुपया ध्यान दे, चिड़ियाघर में कोई आने वाला है। इनको पता कैसे चलता है? पता नहीं भैया, चिड़ियाघर में कोई आए या ना आए ये मुसीबत जरूर आ जाती। डॉट डॉट डॉट। बेटा बेटा बेटा, ये क्या खुशर पुछर कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं बाबूजी, हम तो पप्पी भाई साहब की तारीफ कर रहे थे। हाँ हाँ, अब बहुत अच्छी है पप्पी भाई साहब। बस अब बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं पप्पी भाई साहब। कौवा बस। लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ बाबूजी को ही खिलाते हैं। टोटो टोटो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कोयल दीदी, मयूरी बहन, अगले हफ्ते से चिड़ियाघर में खूब रौनक होगी, बड़ा मजा आएगा। हाँ पप्पी भाई साहब, आप मैं और मयूरी मिलके उसके साथ ढेर सारी बातें करेंगे, बड़ा मजा आएगा, है ना? मयूरी अभी से इतनी एक्साइटेड है, पीछे एक्साइटेड डांस की एक झलक। मयूरी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, सिट डाउन, सिट डाउन। हाँ भैया, बड़ा मजा आएगा। डॉट 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 डॉट। हाँ, जिंदगी में पहली बार हमारे स्टेशन पे कोई इंटरनेशनल ट्रेन हॉल्ट करने वाली है, मजा आएगा। हैप्पी जर्नी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, पहली बार चिड़ियाघर में कोई विलायत से आ रहा है, उसे बिल्कुल ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे कि वो अपने घर में रह रहा। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मुझ पे और मयूरी पे छोड़ दीजिए। कोयल, कुछ मुझ पे और घूमू पे भी छोड़ दे। बाकी अगर कुछ बच गया तो मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना। हरिओम हरिओम। आज मधु होश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, शरारत करने को ललचाए रे, कमा मेरा मन, कमा मेरा मन, कमा मेरा मन, कमा। मन रे तू काहे न धीर धरे, एक चतुर नार बड़ी हो आप यहाँ आए किस लिए? कपि ने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए। कश्मा पहले जरा आप मुस्कुराइए। मुस्कुराने की न कोई बात है, देखिए तो क्या हसीन रात है। ओह सॉरी, लाइन मैच नहीं करे लिरिक्स के साथ। हाँ। दिन अभी तो यार। एनीवे कपि बॉय, टेल मी, तुम्हारी इतनी टेंशन क्यों टाइट हो रखी है? पप्पी भाई साहब, बात यह है कि मेमू से मेरी कट्टी हो गई है, वो मुझसे रूठ के चली गई। पप्पी भाई साहब, अजानी, ये जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है और लड़कियां ट्रेन की तरह, एक छूट जाती है तो दूसरी प्लेटफॉर्म पे लगने के लिए तैयार हो जाती है। ए कपी, पहुंच डालो इन आंसुओं को, आई हेट टियर्स। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, एक जा रही है तो क्या हुआ दूसरी आ भी तो रही है, और वो भी फॉरेन से, फॉरनर, फिरंगी। क्या फॉरेन से? अरे पप्पी भाई साहब, क्यों इस इंडियन की टेंशन टाइट कर रहे हैं आप? अरे कपी द बंदर, ज्यादा खुश होकर फुदकने की जरूरत नहीं है। कपी खुश हम भी हो रहे हैं। लेकिन दिखा थोड़ी नहीं, फुल स्टॉप।
पप्पी भाई साहब, आप जैसा पड़ोसी हो तो दुश्मन की कोई जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। आप हमारे भोले भाले बंदर को गलत पेड़ पे चढ़ा रहे हो। गोटक भैया, आपकी ट्रेन गलत पटरी पे है। पूरी बात सुने बगैर आप चेन पुल कर रहे हैं। कपी, तू फॉरनर के साथ दोस्ती का नाटक करना, और तेरी जो मेमना है ना, खुद ब खुद अपने आप कट्टी कैंसिल करेगी और पक्की रिजर्व करेगी। ये नहीं गोटक भैया, आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड। कपी यार, बड़ी जोर से चेयर्स लगेगा, कुछ चाय पिला यार, मजा आ जाएगा लाइफ में। हाँ पप्पी भाई साहब, अभी लाया मैं, और साथ में बिस्किट भी लाता हूँ। मल्टी ग्रेन लाना। ओके। अबे हमसे भी तो पूछ ना लायक, हम दोनों के लिए भी जॉय 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 लेकर आना, और बिस्किट भी, फुल स्टॉप। हाँ ओके। और सुन, मल्टी ग्रेन मत लाना। हाँ। अबे जाना, सबको हजम भी नहीं होते। पप्पी भाई साहब बैठी बैठी डॉट एक रिक्वेस्ट है आपसे। बी माई गेस्ट। Don't be my guest. यही request है. Full stop. पप्पी भाई साहब, अगले संडे से आप कुछ दिनों के लिए अपनी इस बेस्ट पड़ोसी की पोस्ट से छुट्टी ले लो, और फॉर अ चेंज अपने घर की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो. जब वो फॉरनर यहाँ से वापस चली जाएगी, उसके बाद आप अपना आने जाने का डेली सोप फिर से शुरू कर लेना. भैया कैसा बोलो मैं? क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन तो सही थी ना? क्वेश्चन मार्क। अरे गुम कहीं के, क्या बोला तू, वो भी बिना डरे। हरिओम भैया। अरे हरिओम, आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या एक्सप्रेशन था मेरा। अरे ये घोटक एक्सप्रेस तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। अरे आप लोग का हो गया मिलन, भरत मिलाप हो गया। क्या है कि मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आप दोनों मुझे इनडायरेक्टली अपने घर में आने से मना कर रहे हैं। हम तो डायरेक्टली बोल रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अगर अगले संडे को मुझे बुलाया गया तो मैं एक अच्छे पड़ोसी की तरह अपनी छुट्टी कैंसिल करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। राइट, दैट मेक्स सेंस, राइट ना? पप्पी भाई साहब, अरे सुनिए सुनिए, ये शैम्पू की बोतल का ढक्कन नहीं मिल रहा है। हर जगह ढूंढा मैंने, बेडरूम में ढूंढा, जेरी के रूम में ढूंढा, स्टोर रूम में ढूंढा, पूजा रूम में ढूंढा, बाथरूम में ढूंढा। बाथरूम में? हाँ, बाथरूम में नहीं ढूंढा। किटी डार्लिंग, अनफॉर्चुनेटली लोग आजकल सर बाथरूम में ही धोते हैं, तुम्हारी शैम्पू की बोतल का ढक्कन वहीं मिल जाएगा। पप्पी भाई साहब, आप ना एक नंबर के जी हो। जी मतलब गधा? नो नो, जीनियस, यू जस्ट जीनियस डार्लिंग। एनीवे गोटक भैया, मैंने सुना है कि संडे को कोई फॉरेन से आ रही है, एक्साइटिंग नो? भाई सुना तो हमने भी है, बाकी अगले संडे को खुद ही मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलते हैं भैया, आज हमारे हिस्से की भी चाय पी ले जाएगा। अरे अच्छा, बाय बाय। का दूध पानी का पानी, क्या बोल के चला गया भैया? फॉरेनर का फॉरेनर। आज मधु होश हुआ जाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, शरारत करने को ललचाए रे, मेरा मन, मेरा मन। शांत है कोई गाय जैसा, कोई है सुस्त सदा किसी गधे जैसा, रंग बदला गिरगिट सा चुस्त घोड़े जैसा, शेर भी है बकरी भी आदमी में जानवर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।